जहाँ दिक्कत होगा बोल दीजिएगा। ले लीजिए इसमें। राकेश कुमार साहब, अभी हम लोग जेट्रोफा की खेती कर रहे हैं और इसमें सरकार का काफ़ी प्रोत्साहन है और झारखंड सरकार इसको राज्य सरकार को सुखाड़ क्षेत्र घोषित कर दिया है। और हम लोग अभी जैसे कि इसका काफ़ी मांग है जेट्रोफा का। ये पॉल्यूशन फ्री है और ये ताड़ इलाके में होती है, इसके लिए बहुत उपजाऊ ज़मीन की आवश्यकता नहीं, ताड़ पेकड़ की आवश्यकता है। तो ताड़ ज़मीन काफ़ी हमारे झारखंड राज्य में है, तो ताड़ पर ही हम लोग इसको लगा रहे हैं। और 1 एकड़ में लगभग 1000 पौधा लगवाते हैं, जो कि 1 साल में तैयार हो जाता है, हमारा फ्रूटिंग आना शुरू हो जाता है। और एक पौधा से लगभग 3 से 4 केजी के आसपास, और उस बीज से करीब करीब 1 लीटर डीजल निकलेगा। और इस डीजल से हम लोग सभी डीजल गाड़ी और जनरेटर वगैरह चला सकते हैं। इसके लिए मशीनरी में किसी तरह का कोई तबादला करने की आवश्यकता नहीं है। और इसके जो बीच में जो जेट्रोफा के बीच में जो दूरी होती है, उसमें हम लोग आदि वगैरह और भी जो भी चीज़ है पौधा लगा रहे हैं तो पता है लाभ 6000 मन एक साल में हमारा ज़्यादा नहीं, करीब 7 से 8 हज़ार आएगा। लेकिन इसकी खेती एक बार लगाने के बाद 40 से 45 साल तक ये चलेगा। एक एकड़ में हम लोग लगाते हैं तो 40 से 45 साल इसकी खेती कर सकते हैं। समझिए कि एक साल में जब हम 5 से 6 हज़ार रुपया कमा रहे हैं 3 से 4 हज़ार रुपया लगा के, तो 40 साल में 1,20,000 रुपया कमा लेंगे। फिर बिना किसी तरह का कुछ किए हुए उसी पौधे के बीज से निकाल के लिए। सुदेश कुमार। सुदेश जी, आप ये बताइए कि ये जो बायोडीजल जो अभी मार्केट में आया हुआ है तो इसका क्या रिस्पांस है मार्केट में, बताइए। मार्केट में इसका अच्छा रिस्पांस है। हम लोग तो इस डीजल को, बायोडीजल है ये, इसको हम लोग यूज़ कर रहे हैं। गाड़ी पर भी इसका काफ़ी अच्छा इफेक्ट है। माइलेज के मामले में भी एवरेज भी अच्छा है। गाड़ी का चार्ज भी स्मूथ है और सबसे बड़ी बात पॉल्यूशन फ्री है, उससे प्राइस भी कम है हमारा। तो ये एक अच्छा विकल्प के रूप में सामने आ रहा है हम लोग के लिए और हम लोग इसको यूज़ कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें प्राइस डिफरेंसेस भी है जो उससे बहुत कम पड़ता है। और दूसरी बात है कि इसका गाड़ी चलाने पर इफेक्ट भी अच्छा है।